हेलो दोस्तों, हॉस्पिटलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आईआईटी कानपुर ने रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जूनियर असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और किस लेवल की जॉब होती है। तो ये लेवल 3 की जॉब है और आईआईटी कानपुर ने टोटल 119 वैकेंसी निकाली है, जिसमें एससी के लिए 15, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 34, पीडब्ल्यूडी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 एंड फॉर यूआर कैटेगरी 51। तो इन टोटल 119 वैकेंसी की रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की जो एज लिमिट है भरने की, वो 21 इयर्स से 30 इयर्स की है और इसका लास्ट डेट है फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9 नवंबर 2022। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एसेंशियल मींस कि ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो बैचलर डिग्री विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपके पास बैचलर डिग्री रहनी चाहिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, बट बैचलर डिग्री विथ 50% परसेंटेज मार्क्स रहनी चाहिए। इसके बाद डिजायरेबल इट मींस कि अगर ये आपके पास है ये क्वालिफिकेशन, तो ये बेहतर है। जैसे कि बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क एंड 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट मैटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल, परचेज एंड इम्पोर्ट, अकाउंट, ऑडिट एंड हॉस्पिटलिटी। अगर आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटलिटी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अकाउंट में, परचेजिंग में, तो ये और बेहतर होगा आपको शॉर्टलिस्ट होने में। क्लियर है? सबसे पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरते हो तो आईआईटी क्या करता है, उसमें से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करता है। तो अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस होंगे तो आपका 100% चांस रहेगा शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ये एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। अब बात करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट के बारे में। तो सबसे पहले कि ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 9 नवंबर है और कब तक, शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें जो आप ईमेल आईडी दोगे वो करेक्ट देना, क्योंकि कम्युनिकेशन का मोड ईमेल आईडी होगा। आप कॉल करोगे तो कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा और बाकी कोई मोड नहीं होगा जो भी कम्युनिकेशन होगा। जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद अगर शॉर्टलिस्ट हो गए आप, तो वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद एग्जाम का डेट और टाइमिंग सब कम्युनिकेट होगा किसके थ्रू, मेल। तो इसलिए मेल आईडी ध्यान से भरना, और जो भी आप उसमें डाटा भरोगे, चाहे वो 10th का मार्क्स हो, 12th का मार्क्स हो, आपका एक्सपीरियंस हो, जो भी आप फॉर्म फिलअप करोगे वो डाटा करेक्ट भरना है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो लेवल 2 का एग्जाम होगा, मींस स्टेप जो 2 होगा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आप प्रैक्टिकल दे सकोगे। तो अगर कहीं भी डेविएशन होगा आपके फॉर्म फिलअप में जो डाटा भरे हो और जो आप वहां सर्टिफिकेट शो करोगे, तो आपको वहीं से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी डाटा भरना आप करेक्ट भरना। अब इसके बाद बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें जैसा कि बताया गया है, जब आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तो उसमें 2 स्टेप बताया गया है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो सेकेंड होगा वो जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। मोस्टली आईआईटीज में जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट में वो कंप्यूटर टेस्ट लेते हैं। उसमें आपको या तो पीपीटी बनाना होता है या एक्सेल बनाना होता है और टाइपिंग करना होता है। अगर कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे तो स्टेप 3 भी हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है आईआईटी के रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे। अब ये फॉर्म फिलअप करने में कितना रुपया लगेगा आपको, 700 रुपीज लगेंगे फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो जो कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे हैं या पीएसयू में कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से विदाउट एनओसी। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो दे लेंगे अगर स्टेप वन, अगर स्टेप वन क्लियर कर लेते हैं तो स्टेप टू में एनओसी चाहिए। अगर एनओसी नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, तो अभी मैं स्टेप बताऊंगा आपको कि फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे और इसका सिलेबस क्या होगा। तो नॉर्मली जो किसी भी कलर एग्जामिनेशन में रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है और जनरल अवेयरनेस आता है, इसका सिलेबस यही रहेगा। अगर आप गूगल करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के, तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो और देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब मैं स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे। सबसे पहले आप आईआईटी कानपुर का ऑफिशियल साइट ओपन करोगे, उसके बाद इसमें देखोगे आप कि स्टाफ वैकेंसी शोज होगा अनाउंसमेंट में, तो उस पर क्लिक करोगे तो स्टाफ वैकेंसी ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पढ़ने के लिए नॉन एकेडमिक स्टाफ वैकेंसी में आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, तब फॉर्म फिलअप करना। ये दो पेज में रहेंगे। इसके बाद आप बैक जाना, जब आप बैक जाओगे तो उसके बाद क्लिक करना आप कहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन पे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होगा। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर और कोई आपको हेल्प चाहिए या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।